हे गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हमारे सेटअप में सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। वो तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, तो वो दोस्त ही दे रहा है सरप्राइज। क्या है, मुझे इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। अभी जाते हैं, चलो वो आ रहा है, अभी उसे हम पिकअप करते हैं, फिर देखते हैं भाई सरप्राइज क्या है। तो दोस्तों मैं अभी दोस्त को लेने के लिए आ गया और यहाँ पे हमारे विशाल भाई भी आ चुके हैं। तो चलो यार, ये भी आ गया, अभी एसी बस में होगा ये शायद से, देखना पड़ेगा। ये लो जी यार, दोनों अभी आ गए हैं। तो चलो दोस्तों आपको मैं मिलता हूँ घर पे। फाइनली दोस्तों अभी हम घर पहुंच चुके हैं और भाई ने क्या सरप्राइज लाया भाई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। और ये सरप्राइज है छोटी साइज की कोई फिश, कौन सी कोई है बटो, कोई पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। चल अभी जल्दी जल्दी अपन इनको ओपन करते हैं। पहले तो अभी हम क्या करते हैं, इस वाले टब में हम इनको निकाल के रखते हैं। दोस्तों मैंने इनको अभी टब में रख दिया है। ये वाली कोई हमारे लिए सरप्राइज आई हुई है। और ये जो गप्पीज है इनका तो क्या करने वाला है, मेरे पॉन्ड में। अच्छा तेरे पॉन्ड में रखने, हाँ इसका भी एक गप्पी पॉन्ड है, आपको मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में। अभी आज भी देख लेंगे अपडेट क्या क्या है, ठीक है। तो हमने बहुत सोचा भाई कोई फिश ये कहाँ रखे, ठीक है। दो ही तो मैं सोच रहा था कि यार इनको कलर वीडियो के टैंक में रख दो, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सिर्फ हमारी शक्कर फिश मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत अलगी लग गई थी। और हमारी सिर्फ कलर वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे ये दो कोई आएगी तो और अच्छा यहाँ पे लगने वाला है। तो अभी इनका जो वाटर है, पहले मैं इनको एक्लिमेट कर लेता हूँ, फिर मैं इनको यहाँ पे छोड़ दूंगा। तो दोस्तों दोनों कोई हमने यहाँ पे छोड़ दी, एक ये आ गई और सेकेंड वाली कहाँ गई यार, ये थोड़ी छुप गई यहाँ पे। ये देखो ये वाली एक ही आ गई और एक ही वाली, ये दोनों अभी यहाँ पे अच्छे है, देखो कितने अच्छे घूम रहे हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ जो फिश रूम की लाइट्स वगैरह ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी बहुत अभी स्ट्रेस में है। जैसे लाइट्स ऑफ करूंगा तो थोड़ा बहुत इनको अच्छा लगेगा। तो यार अभी मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी और अभी ये जो गप्पीज है ये अभी मैं भाई के घर पे जाकर छोड़ देता हूँ। चलो भाई निकलते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे हमारे जो फिशेज है वो पैकिंग हो गई है, ये ब्लैक गप्पीज है, प्लेन ब्लैक गप्पीज। तो चलो यार मैं अभी आ चुका हूँ मेरे दोस्त के घर पे। और यहाँ पे ये देखो यार, डॉग नहीं ना, डॉग को मैं बहुत डरता हूँ यार। यहाँ पे एक लैब है, तो ये देखो यार यहाँ पे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत गप्पीज है। पिछली बार तो हम ही लेके गए थे यहाँ की सारी गप्पीज, भाई ने सोचा था कि यहाँ पे अच्छी गप्पी लाएगा, तो इस बार तो भाई ने प्लेन ब्लैक गप्पीज लाई है। हमारे पास जो है ना वो मेटालिक ब्लैक गप्पीज है। तो अभी दोस्तों हम क्या करते हैं, इनका जो वाटर है पहले यहाँ पे शूट कर लेते हैं, और यहाँ पे जितनी गप्पीज है ना पहले से वो सारे निकल लेते हैं यार यहाँ से, क्योंकि ब्लैक गप्पी यहाँ पे छोड़ेंगे तो पहले वाली गप्पीज को क्रॉस हो सकती है और मतलब कलर वगैरह इनका ख़राब हो सकता है, इसी की वजह से हम सारी गप्पीज निकल ले रहे हैं। तो चलो यार दोस्तों फाइनली हमने यहाँ पे न्यू गप्पीज ऐड कर ही दी यार। ये लो जी यहाँ पे आराम से रहेगी यार, यहाँ का पानी पूरा ब्लर हो चुका है। ब्लर होने की वजह यार यहाँ से हम गप्पीज रिमूव कर रहे थे तो पूरा पानी ब्लर हो चुका है, ये देखो यार दिखने लगा है। तो कुछ नहीं यार, थोड़े दिनों के बाद हम यहाँ पे आएंगे इनका अपडेट लेने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे भी हमारा अभी प्लानिंग चल रहा है डम्बू यार गप्पी छोड़ने का। ये लो जी इसका डॉग भी आ गया, इसे बहुत दिनों के बाद मिल रहा है डॉग। ये देखो भाई अभी इसे छोड़ेगा ही नहीं यार ये। हे गाइस वेलकम बैक। तो दोस्तों अभी हो चुकी है इवनिंग। दोस्तों कल यार हमारी सारी फिश को है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी, आपको पता होगा यार। तो आज देखो यार आज बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, सारी शार्क यार, सारी की सारी शार्क यार एक्टिव है और कलर वीडियो भी एक्टिव है। जस्ट मैंने इनको थोड़ी देर पहले ही फीड किया है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे ना यार यार किसने डाल दिया गुलाब का फूल, ये देखो यार मैंने इनमें ना बादाम का जो पत्ता है ना ये भी ऐड कर दिए। ये सूखे हुए बादाम के पत्ते हैं जो कि आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। ये सारे सूखे हुए बादाम के पत्ते ये मैंने सारे हमारे टैंक में ऐड कर दिए, क्योंकि मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आप है ना आपके सेटअप में बादाम के पत्ते भी ऐड कर दो फिश के वाटर में, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, ये अच्छे भी होते हैं यार, मैंने देखा है अच्छा रिजल्ट आता है। ये देखो यार अभी सारी फिश एक्टिव है और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लग रहा है यार, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा टेंशन थी। जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे हमारी जो फिशेज थी ये ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे रखी थी, ठीक है। अभी वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देखो यार ये वाली गोल्ड अभी बहुत अच्छी, मतलब ये देखो इसके जो फिन है ना कल पूरे रेड पड़ गए थे, तो अभी ये एक्टिव है, देखो कितनी ज़्यादा एक्टिव है ना ये। ओ भाई ये तो बहुत ज़्यादा भाग रही है यार, अभी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है, मतलब अभी तक पूरी तरीके से 90% तो ठीक ही हो गई यार। देखो इसके पूरे फिन है ना कल मतलब ऐसे अलग ही थे यार, पूरे वाइट वाइट पड़ गए थे, तो आज देख सकते हो यार पूरे अच्छे, मतलब ये अच्छी एक्टिव है यार। चलो कोई नहीं यार, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, यहीं पे और एक दो दिन इसमें रहने देंगे हम। सारी गोल्ड यहाँ पे है और सारी ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे हमने सारी गोल्ड फिश रखी है, ठीक है। तो ये सारी गोल्ड फिश मैं मेरे दोस्त के पास फिर से रिटर्न कर रहा हूँ, मतलब वो
यार उसका शॉप है, पेट शॉप है, तो वहाँ पे उसको सेलिंग करी वगैरह लगती है गोल्ड फिशेस वगैरह, तो इसी की वजह से सारे गोल्ड फिश से उसी के पास जाने वाली है। ओके, तो अभी ये ठीक ठाक हो जाएंगे ना, एक हफ्ता तो इनको लगेगा यार, इनको कुछ नहीं हुआ है बट थोड़े बहुत अभी स्ट्रेस में, तो स्ट्रेस इनका पूरा फ्री हो जाएगा ना, ये अच्छे से फील्ड लेगी तो मैं इनको फिर से मेरे दोस्त के पास भेज दूंगा। दोस्तों परसों ही हमने यहाँ पे हमारे बहुत सारे वाटर पॉपीज ऐड किए थे, आपको पता होगा यार, ये देखो ये और इनके अभी पत्ते देख सकते हैं यार, पूरे अभी फलने फूलने लगे, और एक दो दिन के बाद आप देखोगे ना यहाँ पे फूल्स वगैरह भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो भाई कली भी निकल रही है, यहाँ पे फूल आना स्टार्ट ही हो जाएगा एक दो दिन के बाद। ये देखो अभी फैलना तो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वाटर पॉपी ऐसा प्लांट है यार, बहुत अच्छे से फैलता है, ये देखो भाई। तो दोस्तों कल हमने हमारी सारी गुरामीज साइड वाले टेरेस पे शिफ्ट की थी, मॉलीज और गुरामी, तो चलो भाई उनको भी देख लेते भाई वो अच्छी है या नहीं। यार आज इसका जो फूल है ना इवनिंग में भी खिला हुआ है, ये देखो अभी मैं इसे जैसे हिलाऊंगा ना इसमें से पानी टपकेगा, ये देखो भाई ये आ गया इसका वाटर। ओ भाई ये देखो अच्छा है। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ साइड वाले टेरेस पे, अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई हमारे कल छोड़े हुए फिश कैसे हैं। सबसे पहले मॉलीज देखते हैं, तो मॉलीज यार सारी की सारी एक्टिव है, यहाँ पे हमने ब्लैक मॉलीज ऐड की थी, तो ये देखो भाई सारी मॉलीज हमारी यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा है अलगी वगैरह यहाँ पे बहुत है इनको खाने के लिए, और छुपने के लिए बहुत सारी जगह है। और यहाँ पे मैंने आपको पता था यार मैंने ये वाटर कैबेज ऐड किया था कुछ दिनों पहले यहाँ पे हमारे जब गुरामी थी, तो इनको ये अच्छा प्रॉपर यहाँ पे रहने वाले। तो यहाँ पे थी दोस्तों हमारी वाइट वाली मॉली, जो कि यार ये नहीं दिखने वाली मुझे पता है, यहाँ पे हमारी वाइट वाली मॉलीज है, ये पानी पूरा ब्लर हो चुका है, मतलब कुछ दिनों में ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे है हमारी चॉकलेट मॉली जो कि मुंटेल में है, बाकी ब्लैक मॉलीज, तो मॉलीज मैंने यहाँ पे चॉकलेट और मुंटेल मॉलीज यहाँ पे साथ में रखी है, और कुछ चक्सुडो गप्पीज भी यार यहाँ पे अच्छे से रहेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं इनको। ये देखो भाई अभी आपको एक अच्छा सा दिख रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैंने रखी थी इस वाले टैंक में हमारी बहुत सारी ऑरेंज कलर की गुरामेज, तो ये भी वो अभी ठीक है यार, इनको कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इनको मॉर्निंग में ही इनका खाना दिया था और दोपहर को भी दिया था, तो अभी देने की कोई ज़रूरत नहीं यार इनको। ये देखो भाई सारी हमारी गुरामेज यहाँ पे एक्टिव है और मेरे हाथ के पास आ भी रही है। और दोस्तों हमें कल बहुत सारे काम है, अभी तो अंधेरा हो चुका है तो इतना अच्छे से नहीं दिखने वाला है, यहाँ पे हमें वाटर पॉपी ऐड करने थी, इसी वजह से हमने यहाँ पे पानी भरा है, तो वो कल काम कर देंगे। तो चलो यार कॉपर को भी मैं ढक देता हूँ, चल कॉपर कॉपर। अरे यार बड़े गुस्से से देख रहा है मेरे पास। तो दोस्तों हमारे कॉपर का भी हमें वाटर चेंज करना है, जो कि नीचे आप देख सकते हो ये सारी की सारी जो अलगी है ना ये सारी स्नेल नहीं की यार, कॉपर हमारा बिल्कुल भी गंदगी नहीं करता। तो दोस्तों अभी चांद भी निकल आ चुका है, तो इवनिंग हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हो गुलाब के हमारे फूल, और यहाँ पे हमने हमारे जो पॉपी लगवाई थी वाटर पॉपी ये भी अच्छा फैलना स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों टमाटर भी अभी पूरे ऑलमोस्ट बिक चुके हैं, मतलब इनको हम कल या परसों में तोड़ लेंगे। तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।